मैं लेकर के आ गया हूँ भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ जी के दर्शन का आज एक ऐसा पैकेज जिसको भारत में हर एक व्यक्ति लेने में सक्षम हो सकता है। दोस्तों, इस पैकेज को प्रत्येक उम्र का व्यक्ति, प्रत्येक एज का व्यक्ति आराम से ले सकता है। और इस पैकेज की खासियत यह है कि लगभग 3 नाइट 4 डेज के अंदर हेलीकॉप्टर के द्वारा आप इस यात्रा को बहुत ही आराम पूर्वक पूरा करके आ सकते हैं। इस पैकेज में बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे होटल का स्टे मिल रहा है 1 नाइट का श्रीनगर में और 2 नाइट का सोनमर्ग के अंदर। हेलीकॉप्टर की जाने और आने की आपको टिकट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, जो आपकी होगी बालटाल नील ग्रत हेलीपैड से लेकर के पंचतरणी और वापस बालटाल नील ग्रत हेलीपैड तक। इसके साथ साथ आपको जो भी कन्वेंस होगी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की, कार द्वारा आपको पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री शिकारा राइड प्रोवाइड करी जा रही है श्रीनगर में, और साथ ही में आपको श्रीनगर की लोकल साइट सीइंग घूमने को भी मिलने वाली है। दोस्तों, इस पैकेज की जो डेट है वो 28 जून 2021 से लेकर के 20 अगस्त 2021 के बीच में होने वाली है, जिसकी रेट इतना कम है कि आराम से कोई भी व्यक्ति इसे बुक करवा सकता है। दोस्तों, आप इसकी बुकिंग अभी से करवा सकते हैं। बाकी आगे इस वीडियो में मैं इस पैकेज की बहुत डिटेल जानकारी देने जा रहा हूं, बने रहिएगा लास्ट तक। और इस पैकेज को बुक करवाने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप कंपनी का नंबर ले सकते हैं, उस ट्रैवल कंपनी का जो इस पैकेज को आपको बुक करवा करके देगी, और पूरी यात्रा के दौरान आपको बीच बीच में असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहेंगे टेलीफोन पर। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, वो सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर करी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैकेज बहुत अच्छे लगने वाला है। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और आगे आपको पैकेज की पूरी डिटेल देना स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बाबा अमरनाथ जी दर्शन का 3 नाइट 4 डेज का ये पैकेज। और सबसे पहले दोस्तों, मैं थैंक यू करना चाहूंगा उस ट्रैवल कंपनी का जो हम तक और आप तक इस पैकेज को पहुंचा रही है, और उनसे मैंने फर्दर रिक्वेस्ट करी है कि वो केदारनाथ जी दर्शन के लिए भी ऐसा ही पैकेज बना करके लेकर के आए, ताकि इंडिया का हर एक व्यक्ति कम से कम दाम में अपने पूरे जीवन का जो सपना होता है, और मेरा खुद का अपना ड्रीम है कि मैं अमरनाथ जी और केदारनाथ जी के दर्शन अपनी लाइफ में करके आ सकूं, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट उनसे रही। और इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए आज मैं आपको सबसे पहले एक अमरनाथ जी का पैकेज बता रहा हूं, और कुछ ही दिनों में हम लेकर के आ रहे हैं केदारनाथ जी का पैकेज भी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। टेंटेटिव आइटनरी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले डे 1 पर आप पहुंचेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से ही ये पैकेज हमारा स्टार्ट होने वाला है। डे 1 पर आप पहुंचेंगे श्रीनगर, चाहे आप बाय एयर आए, चाहे बाय बस आए, या किसी भी माध्यम से आए, सबसे पहले आपको श्रीनगर पहुंचना है। और श्रीनगर पहुंचने के बाद आपको इस ट्रैवल कंपनी द्वारा पहुंचाया जाएगा सोनमर्ग, जिसे हम सोना मार्ग के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए ड्राइवर आपको पिकअप करेगा सबसे पहले एयरपोर्ट से, और ड्राइव गाड़ी में बैठा करके ले जाएगा सोनमर्ग तक। टू रीच द डेस्टिनेशन, वहां पर आप पहुंचेंगे, चेक इन करेंगे होटल में, थोड़ा सा आराम करने के बाद चारों तरफ की सराउंडिंग जो है वो आप देखिए, महसूस करिए, एक्लिमेटाइज्ड हो जाइए वहां के एनवायरनमेंट से। ओवरनाइट स्टे करिए सोनमर्ग के अपने उस होटल में डिनर करने के बाद, और नेक्स्ट डे जो आपका होने वाला है वो होने वाला है जब आपकी अमरनाथ जी की ये पवित्र तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए सुबह सुबह आपको सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद एक छोटी सी आपकी ड्राइव होगी, और उस ड्राइव के बाद आप पहुंचेंगे बालटाल, जो नीलग्रत हेलीपैड है वहां तक आपको ले जा करके छोड़ा जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी पहले से ही बुक्ड हेलीकॉप्टर की टिकट होंगी, उस टिकट को ले जा करके आप हेलीपैड पहुंचेंगे, और हेलीपैड से हेलीकॉप्टर आपको ले करके पहुंचेगा पंचतरणी हेलीपैड तक, और वापस आप दर्शन करेंगे वहां पर। फ्रॉम पंचतरणी से अमरनाथ जी केव के बारे में अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की ही यात्रा रह जाती है, जिसको आप पैदल भी कर सकते हैं,
उम्र के हिसाब से हॉर्स से भी कर सकते हैं, पालकी से भी कर सकते हैं, जो भी आप सुविधा अनुसार लेना चाहें उसको आप लेकर के कर सकते हैं। ये यात्रा लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाती है। रीज पहुंच करके केव पर डिपेंड करता है कितना रश होता है, कितना टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है वहां की भीड़ के ऊपर। शाम को आप वापस पहुंचेंगे हेलीपैड तक, और हेलीपैड तक पहुंच करके वापस आपके बालटाल के लिए राइड होगी हेलीकॉप्टर की। बालटाल पहुंच करके वापस आपको जो गाड़ी है वो पिकअप करेगी और लेकर के चल देगी श्रीनगर के लिए। श्रीनगर ओवरनाइट आप स्टे करेंगे होटल में, और होटल में स्टे करने के बाद जो आपका Day 3 होने वाला है वो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। कश्मीर की भी आप इसके अंदर साइट सीन कर सकते हैं, कश्मीर और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन एक साथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कश्मीर भी देख लोगे, बाबा अमरनाथ जी के भी दर्शन कर लोगे। क्या है प्लान इस दिन का बताता हूँ। श्रीनगर का फुल डे का साइट सीन होने वाला है। आप इस दिन जाएंगे मुगल गार्डन, टेम्पल्स ओवरनाइट स्टे करेंगे श्रीनगर के होटल में ही। मुगल गार्डन में आपको बताता हूँ, इस गार्डन के कुछ हिस्से हैं जैसे गार्डन ऑफ डिलाइट है, शालीमार, चश्माशाही, ये सब जगह हैं वहाँ पर। हिस्टोरिकल प्लेसेस आप जाएंगे हजरतबल, शंकराचार्य टेम्पल, जामा मस्जिद, जामिया मस्जिद और परी महल, इन जगहों पर आप जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री शिकारा राइड भी प्रोवाइड करी जाएगी सेम इसी डेट पर। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आपको इस ट्रैवल कंपनी, जो मैंने वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में जिसका नंबर दिया है, बस कॉल करना है, सारी जानकारी पूरी डिटेल में हासिल करनी है और इस पैकेज को जल्दी से जल्दी बुक करवा लेना है, ताकि आप भी अपने पूरे जीवन के इस सपने को पूर्ण कर पाएं। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, Day 4 पर ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस श्रीनगर पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा एयरपोर्ट पर, और एयर से आप अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रेट के बारे में, बहुत ही कम है। अगर हम बात करें तो उसको हमने डिवाइड किया है बजट, स्टैंडर्ड, डिलक्स, सुपर डिलक्स पैकेज के अंदर, जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है जा सकते हैं। अगर आप 2 व्यक्ति हैं 16,000 पर पर्सन पड़ेगा, 4 व्यक्ति हैं बैच में तो 15,250 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, 6 व्यक्ति हैं आप लोग तो 14,500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा बजट पैकेज में। इसके बाद स्टैंडर्ड है, डिलक्स है, सुपर डिलक्स है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चार्जेस आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। 1 नाइट का सोनमर, 2 नाइट का स्टे होने वाला है श्रीनगर के अंदर, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कॉस्ट बताई। बुकिंग डेट जैसे मैंने पहले ही बताई, जून 28 से लेकर के ये यात्रा चलती है लगभग अगस्त 20 तारीख के बीच में। होटल कौन कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं बताता हूँ श्रीनगर में। बजट की बात करें तो होटल बुर्ज या सिमिलर, स्टैंडर्ड ट्राइडेंट या सिमिलर, डिलक्स में होटल शिफाफ या सिमिलर, सुपर डिलक्स में ग्रैंड केसर या उससे सिमिलर, सोनमर्ग में होटल स्नोव्यू सिमिलर बजट में, स्टैंडर्ड की बात करें होटल ग्लेशियर हाइट्स या सिमिलर, डिलक्स की बात करें होटल तेजवास ग्लेशियर या सिमिलर, सुपर डिलक्स की बात करें होटल डिवाइन इन या सिमिलर। तो ये पैकेज मैंने आपको पूरा बता दिया है कश्मीर के बारे में। अब चलते हैं इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है उसके बारे में डिटेल में आपको देने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट से कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप ड्रॉप किया जा रहा है आपको, 3 नाइट का अकोमोडेशन मिलेगा ट्विन शेयरिंग बेसिस पे, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर दोनों ही इंक्लूडेड है इस कॉस्ट के अंदर। रिटर्न हेलीकॉप्टर की टिकट मिलेंगी बालटाल नीलग्रत हेलीपैड से, पंचतरनी और वापस नीलग्रत हेलीपैड तक आप वापस आ सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो भी आपका रहेगा इस जगहों तक पहुंचाने के लिए वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सेडान, इनोवा, टवेरा, जो भी आपके नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है, जितने भी आप लोग जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ड्राइव कम गाइड आपके साथ रहेगा जो आपको ले जाएगा, सारे रास्ते के बारे में जानकारी देगा। जो ही मैंने आप कॉस्ट बताई उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है, और कॉम्प्लीमेंट्री शिकारा राइड की फैसिलिटी भी इस पैकेज में आपको दी जा रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है इसके बारे में आपको बताता हूँ। एयर फेयर, ट्रेन फेयर, एनी मील्स अदर देन जो बताया नहीं गया, एक्सपेंस पर्सन लेचर का जो बताया नहीं गया, एनी अदर नॉट स्पेसिफाइड टूर कॉस्ट, गाइड, एंट्रेंस फीस, ये जो भी है वो सब आपको खुद बियर करनी पड़ेगी। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप पॉश करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरे पैकेज की डिटेल मिल गई होगी। पैकेज को बुक करवाइए और हो करके आइए बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करके। मिलते हैं इसी तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव किसी अदर डेस्टिनेशन की वीडियो में, जो आपको ले जाती है पूरी इंडिया की सैर पर। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सारी जगहों को घूमना चाहते हैं तो पहले जानकारी हासिल करने के लिए क्या करना होगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नीचे दिख रेड बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर बटन पे क्लिक करिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, ऑल को सेलेक्ट करिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी नेक्स्ट वीडियो है ना, उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे, ताकि आप वीडियो देख पाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि मेरा मोराल बूस्ट हो सके। आपके लिए इतनी मेहनत करके हम ये वीडियो लेकर के आते हैं, हमको अच्छा लगता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाबा अमरनाथ जी की जय। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।